हाई फ्रेंड्स वेलकम टू दिस वीडियो इन दिस वीडियो वील डिसकस अबाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बिकॉज दिस इज वन ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच ऑफन कम्स इन द एग्जामिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्डर फोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 ये जो नए वाले हैं जो प्रीवियसली था उसका भी ऑर्डर फोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ रूल्स अंडर 1966 उसके अंदर इसकी अवधारणा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ रूल्स की अवधारणा किसके अंदर दी गई है आर्टिकल 145 फोटी फाइव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनते हैं उसके एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं वो होता है रेगुलेशन टू ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन रेगुलेशंस यानी रेगुलेशन टू और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 जो नए वाले हैं उनके ऑर्डर फोर के अंदर रूल फाइव वन एंड फाइव टू तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट रूल का ईयर फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक्चुअली में होता कौन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग केस फाइल करते हैं वो डायरेक्ट फाइल नहीं होते जब तक आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू उसकी कंपनी के थ्रू उनके सिग्नेचर्स के थ्रू केस को फाइल नहीं करवा पाते इसके लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है केस कोई भी लड़ सकता है कोई वकील लड़ सकता है जूनियर वकील सीनियर वकील लेकिन केस को ऑथोराइज़ कराना पड़ेगा पहले फाइल करवाना पड़ेगा और फाइलिंग के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जरूरत होगी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम देने से पहले उसकी कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं चार साल एज ए जूनियर एडवोकेट आपने सुप्रीम कोर्ट में काम किया हो एक साल आपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने की ट्रेनिंग ली हो ए से या सीनियर एडवोकेट से एग्ज़ाम आपने दिया उसके बाद भी अगर नहीं बन सकते अगर सुप्रीम कोर्ट के टेन माइल्स के अंदर आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए एक आपके पास रजिस्टर्ड क्लर्क होना चाहिए बिकॉज अगर आप केस फाइल करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ तो सोर्स होना चाहिए कि आप एक ऑफिस हो एक क्लर्क हो तभी तो आप केस फाइल वगैरह कर पाएंगे जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ भी सकता है केस को फाइल भी करवा सकता है लेकिन एक साधारण जो वकील है जब तक वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ए नहीं होगा ना वो केस को फाइल ही नहीं करवा सकता फाइल लेके जाएंगे केस की एस की एस वो लीव के लिए वो फ़ाइल नहीं, नहीं हो पाएगा जब तक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या उसकी कंपनी की अथोराइजेशन नहीं होगी तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है और एग्ज़ाम वगैरह जो इसके हेल्ड किए जाते हैं वो मैंने आपको रूल फाइव वन फाइव टू अंडर ऑर्डर फोर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 जो नए वाले हैं पुराने वाले आपको पता है सेम ऑर्डर फोर टू थाउजेंड uh, रहेगा तो ये है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की एक्सप्लेनेशन फुल एक्सप्लेनेशन और इसके अंदर जो भी पार्ट हाईलाइटेड है वो इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर्स ईयर रूल ये इम्पॉर्टेंट है और ये जो इम्पोर्टेंट है ये बहुत ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आता है और मैंने फुली एक्सप्लेन कर दिया है अगर आपको पसंद आया तो यू कैन लाइक इट कमेंट एंड शेयर इट एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू गाइज एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम इलेक्शन पटिशन के बारे में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू